प्यार फील कर रहे हो किसी के लिए, एक डीप लव फील कर रहे हो किसी के लिए, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बदल गई है जब से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है। जानना चाहते हो उसके दिल की बात, समझना चाहते हो क्या चल रहा है उसके मन में और क्या कुछ होने वाला है आगे। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून 21190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, या फिर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, सो ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, चार्जेबल हैं। सो दो डेक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक डेक से हम जानेंगे कुछ आपकी एनर्जीज, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं, राइट। दूसरे डेक से हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, राइट। चलिए शफलिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। जिस पर्सन के बारे में आप सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ और कार्ड्स के अंदर एनर्जीज होती है, सो प्लीज़ एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। ओके, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेज़ ज़रूर लिखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करती है तो। ओके, एंजल्स की ब्लेसिंग्स अगर आप चाहते हैं तो जल्दी जल्दी चैनल के साथ कनेक्ट हो जाइए। ओके, और आपकी मैनिफेस्टेशंस लिखना शुरू कीजिए। सो चलिए आपकी सबसे पहले आपकी रीडिंग्स, आपकी फीलिंग्स हम देख लेते हैं क्या आ रही हैं। अट्रैक्शन, ओके, सो सबसे पहला कार्ड यही बता रहा है कि आपको इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, आप खींचे चले जा रहे हो इसकी तरफ, ना जाने कैसा अनजाना सा ये रिश्ता फील कर पा रहे हो, अजीब सा अट्रैक्शन आप फील कर रहे हो इसकी तरफ, रोक ना चाहते हो खुद को पर रोक नहीं पा रहे हो, जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ ऐसे। एक उम्मीद सी लग गई है इस पर्सन के साथ, एक रिश्ता सा बनता चला जा रहा है इस पर्सन के साथ, ना चाह कर के भी एक मैग्नेटिक पुल आप फील कर रहे हो, जैसे कि ये पर्सन आपको अपनी तरफ खींचता चला जा रहा है, रोकते हो खुद को इसके बारे में सोचने से पर नहीं रोक पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं आप अपने को इसकी तरफ खींचता हुआ पा रहे हो, दिन रात इसी के ख्याल चल रहे हैं, दूर से कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करते हो, नोटिस करते रहते हो इसको, समझना चाहते हो उसके दिल में क्या चल रहा है, समझना चाहते हो कि ये क्या ये पर्सन भी आपकी तरफ उतना ही अट्रैक्शन फील करता है जितना आप कर रहे हो। और जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है चेंज। इस पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद बहुत बदलाव हो गए हैं। जो भी कार्ड आपके साथ रेजोनेट करता है उसको क्लेम करते जाइएगा। ओके, सो कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं, आपके बिहेवियर में चेंजेस आ गए हैं, राइट, आपकी ड्रेसिंग सेंस में चेंजेस आ चुके हैं, आपकी सोच में बदलाव आ गया है, आपके काम करने के तरीके में बदलाव आ चुका है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी ही बदल गई है। अगर एक वीरान सी सुनसान सी ज़िंदगी थी, कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है उस वैसे ही एक एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में आ गई है, हैप्पीनेस लाइफ में आ गई है, खुश रहना सीख गए हो। सो कुछ ना कुछ चेंजेस, जैसे एक कहते ना, जैसे ब्लैक एंड वाइट थी लाइफ, राइट, थोड़ी कलर्स आने लगे हैं, रंग भरने लगे हैं आपकी ज़िंदगी में प्यार के, है ना। प्लेजर, जब भी ये पर्सन आपके आसपास होता है आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होता है, आपको खुशी मिलती है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया यहीं से शुरू हो रही है, खुशियाँ यहीं से शुरू होती हैं, एक अजीब सा सुकून आ गया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पास्ट में इतना प्यार नहीं मिला है, राइट, कुछ आपके बैड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे पास्ट में, और जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है ना, उसके बाद जैसे कि एक उम्मीद आ गई है, रिश्ता बंध गया है या दिल कहीं ना कहीं लगना शुरू हो गया है, राइट। सो इस तरीके की कुछ फीलिंग्स आपकी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ।
एक्सेप्टेंस, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके प्यार को एक्सेप्ट करे जो भी सिचुएशंस हैं, जिस तरीके से भी हो, पर ये पर्सन आपके प्यार को एक्सेप्ट करे, आपको एक्सेप्ट करे। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कंप्लीशन आए, आपकी ज़िंदगी में प्यार आए जो शायद आपको पहले नहीं मिला, या आप उसको मिस कर रहे हो वो चीज़, या वो प्यार वो प्लेजर मिसिंग है, और आप ना इस पार्टनर को हर तरीके से एक्सेप्ट करने को तैयार हो, और आप चाहते हो कि ये पर्सन भी आपके प्यार को एक्सेप्ट करे। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है, मेंटल पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, प्रोफेशनली और इमोशनली बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, पर्सनल बिहाफ पर भी कोशिश कर रहे हो। जैसे कि ना एक बोझ सा आ गया आपके सिर के ऊपर, इमेजिनेशंस के बाहर जा रही हैं चीज़ें, काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपके आसपास है, मतलब वो फीलिंग्स आपके आसपास हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग्स आपको रहती हैं पूरा टाइम, बट स्टिल कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि आपके, या तो आपके पार्टनर मैरिड हैं, या फिर किस ऑलरेडी एंगेज हैं किसी के साथ, या फिर ऑलरेडी उनका कोई रिश्ता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फैमिली प्रेशर में है, कुछ तो है जिसकी वजह से आप कई चीज़ों को लेकर के बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो किसी अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, और उस वजह से आप वो नहीं कह पा रहे हो जो आप कहना चाहते हो, तो बैलेंस बनाने की कोशिश आप कर रहे हो, डेफिनेटली कर रहे हो। ट्रस्ट, आप चाहते हो ये पार्टनर आप पे ट्रस्ट करे, आप चाहते हो कि आप इस पर पूरा ट्रस्ट कर पाओ, अपने दिल की बात इसको पूरी तरीके से बोल पाओ। कोशिश भी की होगी आप में से कई लोगों ने ट्रस्ट बिल्डअप करने की, भरोसा बिल्डअप करने की, ग्रोथ। सो डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपके रिश्तों में ग्रोथ आए, आपके रिश्तों में एक एडवांसमेंट आए, खुद को, खुद की भी ग्रोथ चाहते हो आप, डेफिनेटली आप खुद की भी ग्रोथ चाह रहे हो, अपने इमोशंस की भी ग्रोथ चाह रहे हो, रिलेशनशिप में भी ग्रोथ चाह रहे हो। सो काफ़ी चीज़ों को लेकर के आप चाहते हो कि ना ग्रोथ के साथ साथ एक नई उम्मीदें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, मिठास आती चली जा रही है आपकी ज़िंदगी में, है ना। वॉइड, एक खालीपन सा था आपकी लाइफ में जो कि इस पार्टनर के आने के बाद फुलफिल हो रहा है, राइट। देखिए आप में से कई लोगों की लाइफ में ये कंडीशन प्रेजेंट में चल रही है, आप लोगों में से कई लोगों की लाइफ में ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, और अभी आप लोग किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से जूझ रहे हो, ये भी आप में से कई लोगों के साथ पॉसिबिलिटी है, राइट। सो खालीपन सा है आप में से कई लोगों की लाइफ में, प्रेजेंट खालीपन है, ठीक है, और उस खालीपन को आप कहीं ना कहीं इसकी यादों से भरने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो और आप रीयूनियन चाहते हैं तो क्लेम कीजिएगा रीयूनियन। सो रिलीज़, डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस पेन को, इस दर्द को, इस प्रॉब्लम को, जो भी आप अभी फील कर पा रहे हो उसको रिलीज़ करो, ठीक है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस अगर आपकी हो रही है तो उस पेन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। तो जब आप खुद को हील कर पाएंगे, इस पेन को रिलीज़ कर पाएंगे, तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट कर पाएगी, आपको कुछ ऐसे साइन सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ गई हैं, तो कुछ इस तरह के साइन सिग्नल्स आपकी तरफ बिल्कुल आने शुरू हो जाएंगे। तो रिलीज़ करना पेन को, प्यार को, दर्द को डेफिनेटली ज़रूरी है, राइट। एंड ट्रस्ट बना के रखिए डिवाइन के ऊपर, भरोसा बना के रखिए डिवाइन के ऊपर, डिवाइन ने डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सोच के रखा है, राइट। टेंशन लेने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखते हैं आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या, कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर के। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है इनके मन में, इनको लेकर, इनके पार्टनर के मन में इनको लेकर के। जस्टिस आ रहा है देखो, ठीक है।
सो अगर आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया है, आपको पेन दिया है, आपको तकलीफ़ दी है, आपके प्यार को या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आपको किसी वजह से डिच कर दिया है, आपको नो कॉन्टैक्ट दे दिया है, सो डेफिनेटली अभी जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि इनके दिल में ऐसा ख्याल आने लगे हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, राइट? सो जस्टिस डेफिनेटली यहाँ पे यही बता रहा है कि आपके लिए एक जस्टिस ज़रूर आ रहा है और इनको ये एहसास दिला रहा है ये कार्ड कि आप उन्होंने आपके साथ जो किया है ना वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट? तो इनको ये एहसास हो रहा है कि गलत तो गलत है, ठीक है? सो अभी उस चीज़ को लेकर के डेफिनेटली जस्टिस चाह रहे हैं, आपको देना चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको देना चाहते हैं, जो आपने खो दिया या फिर जो आप कहीं ना कहीं आप एक चीज़ है, देखो अगर आपकी उम्मीदें किसी के साथ बन जाती हैं ना तो आप सब तरफ से एफ़र्ट्स डालने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके एफ़र्ट्स ख़राब नहीं जाने वाले हैं। प्रोमिनेंटली लीब्रा तुला राशि निकल के आ गई है एंड यहाँ पर उनको ये समझ में आ रहा है कि देखो उनको रिश्तों में उनको भी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है? सब चीज़ें ऐसे ही नहीं होती हैं, हवा में नहीं चल रही होती हैं, राइट? तो बैलेंस का एहसास उनको भी आ रहा है, राइट? जिस तरीके से आपने बैलेंस बनाया उसी तरीके से वो बैलेंस अब बनाना चाहते हैं, राइट? वो चाहते हैं आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो एक फेयर रिश्ता बने, एक फेयर कनेक्शन बने, है ना? और ये कार्ड ये उनको उनके लिए डेफिनेटली एक रिमाइंडर का कार्ड है कि उनको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है? आपके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते हैं, वो आपके साथ गलत नहीं कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ये एहसास उनके दिल में आ रहा है। डेविल का कार्ड आया है, राइट? सो प्रोमिनेंटली यहाँ पर आ गई है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। देखिए आप लोगों का रिश्ता डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि टॉक्सिक है, ठीक है? आप दोनों के रिश्तों में उतनी सफाई, उतना प्योरिटी नहीं है, या मैं ये बोलूँ कि उतना अभी अच्छा आप दोनों का रिश्ता फ़िलहाल नहीं चल रहा है। हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो या फिर ब्रेकअप हो गया है, तो कुछ आपकी लाइफ में कंडीशंस अभी ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये कार्ड सीधे सीधे यही बता रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट उन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को टॉक्सिक कर दिया है, राइट? बट एक चीज़ ये भी आ रही है कि अब वो, क्योंकि जस्टिस भी आया है यहाँ पर ना, तो कहीं ना कहीं बैलेंस तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को सुधारने के लिए सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिन, धनु राशि, सो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है? उतनी हिम्मत अगर उनमें पहले नहीं थी तो अब डेफिनेटली उनके अंदर वो हिम्मत आती चली जा रही है। मैच्योरिटी पहले नहीं थी, अभी मैच्योरिटी भी आती चली जा रही है, तो एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी डेफिनेटली इनके अंदर बढ़ रहा है, राइट? देखिए समझदार होना और मैच्योर होना दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है? समझदारी ठीक है, आदमी दिखा सकता है कई चीज़ों में, लेकिन मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना, सिचुएशंस को हैंडल करना, लोगों को हैंडल करना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है, राइट? तो वो एक मैच्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर धीरे धीरे आ रही है कि रिश्तों में किस तरीके से बैलेंस बना के रखना चाहिए, इमोशनली किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर अभी आती जा रही हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सो आपके पार्टनर, देखो आपने अगर यहाँ कहीं ना कहीं एक वेटिंग एनर्जीज में अगर आपने इनको डाल रखा है कि ठीक है मैंने बहुत भाग लिया इनके पीछे, मैंने बहुत एफर्ट्स डाल दिए इनके पीछे, अब अगर इनको आना है तो ये आए, नहीं आना है तो इनकी मर्ज़ी, ठीक है? सो अगर आपने भी साइलेंस मेंटेन कर लिया है, आपने भी एक स्पेस क्रिएट कर दी है, एक इनको स्पेस दे दी है कि ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, तो कहीं ना कहीं अब इनका दिल टूट रहा है, अब ये तकलीफ़ इनकी यहाँ पर ये फील कर पा रहे हैं, आपसे दूर जा कर के इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। हो सकता है इन्होंने ही इस रिश्ते में गैप लाया हो, नो कॉन्टैक्ट दिया हो, लेकिन हर नो कॉन्टैक्ट के बाद तो डेफिनेटली यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, काफ़ी ज़्यादा पेन इनको हो रहा है आपसे अलग होने का। सो ये डेथ का कार्ड आ गया है, ठीक है? सो ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है इनसे, ये टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं हो रही है इनसे, ठीक है? जो इन्होंने ख़राब कर दिया रिश्ता, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं आपके पार्टनर, या फिर गलत लोगों की बातें सुनने लगे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का रियलाइजेशन डेफिनेटली इनको हो रहा है, और ये चीज़ों को लेकर के
बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस भी इनके अंदर आ रहे हैं, बहुत चेंजेस इनके दिमाग में आ रहे हैं या इनके अंदर आते चले जा रहे हैं। सो ये सिचुएशंस अब डेफिनेटली ख़त्म करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। जो कुछ भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया या जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको परेशान किया, उस चीज़ को ओवरकम करना चाह रहे हैं एंड एक नई शुरुआत डेफिनेटली आपके साथ करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड, वाओ। सो ये देखिए कार्ड यही बता रहा है कि आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट, और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ डेफिनेटली आ रही है। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनका पैशन डेफिनेटली आपके लिए बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट आपके लिए होते चले जा रहे हैं। और देखिए चीज़ों को लेकर के ना पहले हो सक देखो अपनी बात बोलने में डेफिनेटली डेयरिंग चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है आप में वो डेयरिंग हो, आपके पार्टनर में उतनी डेयरिंग ना हो, राइट। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड क्लेम ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये कार्ड यही बता रहा है कि अब उनके अंदर आपको प्रपोज करने की, आपसे बात करने की डेयरिंग धीरे धीरे आती चली जा रही है। सो कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर प्लान करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये खुद चाहते हैं कि अब इस रिश्ते में ग्रोथ आए, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो भी उनसे गलतियाँ हुई हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, और सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। और डिवाइन कहीं ना कहीं उनको ये सिग्नल दे रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यही बता रहा है कि डिवाइन उनको सिग्नल्स दे रहे हैं, उनमें सुधार यूनिवर्स डेफिनेटली कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस उनके अंदर लगातार आ रहे हैं जिसकी वजह से वो आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं। चैरियट, सो क्लेम कीजिएगा। चैरियट का कार्ड कैंसर कर्क राशि आई है, सो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप में से कई लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े शिव भक्त हो सकते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। और चीज़ों को लेकर के देखो एक टाइम आता है, एक फ़ेज़ आता है जब हमें नहीं समझ में आता कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन जैसे वो फ़ेज़ निकलना शुरू होता है या निकलता है वैसे वैसे रियलाइजेशन होता है कि पास्ट में हमसे ये चीज़ों को लेकर के गलती हुई है या फिर हमने इस पर्सन का दिल दुखाया है, राइट। सो ये सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी नेगेटिव पॉजिटिव होकर के चीज़ों को देखो, गलत आदतें गलत चीज़ें ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग इन सब सिचुएशंस में उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो आपकी प्योरिटी अभी आपके पार्टनर को समझ में आ रही है और डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यहाँ आया है, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि अभी कुछ सिचुएशंस में स्टक हैं, कुछ सिचुएशंस को लेकर के बंधे हुए हैं, ठीक है। अभी इनकी सिचुएशंस थोड़ी सी क्रिटिकल है, उतनी क्लैरिटी अभी इनको नहीं आ रही है या किस तरीके से आपके तरफ बढ़े वो इनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और हाँ, एक देखो ओवर थिंकिंग तो डेफिनेटली कर रहे हैं, है ना, और चेंजेस देखो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि आपने भी अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, राइट। सो ट्रांसफॉर्मेशन से आप भी गुजर रहे हो और आपको हर पल नोटिस कर रहे हैं, आपको हर पल देख रहे हैं, की कोशिश करते हैं, आपके बारे में डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है। आप रिलेशंस में ट्रांसपेरेंसी रखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आप पहले क्लियर कम्युनिकेशन करते थे, आपने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाई है इस रिलेशनशिप में, आपको करियर ओरिएंटेड हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दिलों को जीतना आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप मेहनती हो, है ना, आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं ये, डायरेक्टली आपसे कहा हो या ना कहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स में यहाँ पर उनकी देख पा रही हूँ। आपको लाइफ में खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है और उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की कोशिश कर रहे हैं और निकलना चाहते हैं। वापस से 8 नंबर आया है, सो 8 नंबर डेफिनेटली आपकी लाइफ का कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। सो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी तरफ बहुत जल्द इनका कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे, राइट। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बुरा वक्त है जो बहुत तेज़ी से निकलने वाला है और कोई अच्छा वक्त बहुत तेज़ी से यहाँ पर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि बहुत जल्द आपके पास कम्युनिकेट करेंगे, आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे और जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो वो आपकी तरफ बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको इंतज़ार है इनके सपोर्ट का तो वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा और इनको भी ऐसा लगता है कि आपको जो एक सपोर्ट, जो प्यार और जो एक रिश्ता आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला है। वो चीज़ें अभी ये सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं,
ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और ये सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि कुछ सिचुएशंस अभी हैं, और जैसे ये सिचुएशंस ख़त्म हो जाएंगी या इनको हैंडल करना ये सीख जाएंगे, वैसे ही आपके पास आएंगे और आपके साथ कमिटमेंट डेफिनेटली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका रीयूनियन आगे आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा 111 बजरंग बली का यूनिवर्स का इंजिस का थैंक यू कीजिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के है तो क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, वहाँ जाके आप रीडिंग्स देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।